स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल मास्टरमाइंड में। साथियों इस सीरीज है लुसेंट क्यूज का, जो रसायन शास्त्र चल रहा है। पिछला चैप्टर चला था साथियों रासायनिक बंधन, उसी का कुछ पार्ट बाकी रह गया है जिसको मैं आज पूर्ण करूंगा। पहला टॉपिक है साथियों इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे साथियों इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसे ही इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः दो जोड़ा एवं एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जिनका साझा करके किसी परमाणु के साथ नहीं होता है। वही दिखाया गया इस ग्राफ में निर्जन जोड़ी के बारे में। आगे पढ़ना मित्रों हाइड्रोजन बंधन यानी कि एच एफ ओ या एन के संयोग से बने यौगिक के अनुध्रुवीय होते हैं जैसे एच एफ एच टू ओ एन एच थ्री आदि। एच एफ अणु में एच विद्युत धनात्मक एवं एफ क्या होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है यानी कि फ्लोरीन। अतः एच हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा एफ की ओर खींचता है। अतः एफ परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं सिग्मा बॉन्ड एवं एच परमाणु पर थोड़ा सिग्मा प्लस बॉन्ड का आवेश आ जाता है। अतः एक एच एफ अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे एच एफ अणु के विद्युत धनात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। वह इसका टेबल बनाया गया है बंधन ऊर्जा का क्रम। एकल बंधन होगा, इसके बाद द्विबंधन होगा, इसके बाद त्रिबंधन होगा। अब बंध दूरी का क्रम साथियों पहले एकल बंधन द्विबंधन इसके बाद त्रिबंधन। बंधनों की क्रियाशीलता एकल बंधन द्विबंधन त्रिबंध। यह आकर्षण दो एच एफ अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि एच सी एन में है। आगे कहा जा रहा है कि एच टू एस में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। याद रखिएगा साथियों हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में ही पाया जाता है। आगे कहा जा रहा है मित्रों सिग्मा बंध यानी कि सिग्मा बॉन्ड जब दो परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन होते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को सिग्मा बंधन कहते हैं। साथियों इसका कुछ हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि संकरण है, देखेंगे क्या होता है। मित्रों कहा जा रहा है कि एसपी संकरण यानी कि यह एक रेखीय आकृति होती है। sp2 संकरण यह एक त्रिकोणीय आकृति होती है। sp3 संकरण यह त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का बना होता है। sp3d संकरण यानी कि यह त्रिकोणीय द्वीप पिरामिडीय आकृति का होता है। साथियों sp3d2 संकरण यह अष्टफलकीय आकृति का होता है। sp3d3 संकरण यह पंचभुजीय द्वीप पिरामिडीय आकृति का होता है। आगे साथियों पढ़ेंगे हम लोग अब पाई बॉन्ड, इसको ध्यान देंगे। पाई बॉन्ड यानी कि जब दो परमाणु ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं यानी कि पाई बॉन्ड कहते हैं। साथियों रासायनिक बंधन चैप्टर समाप्त हो चुका, अब पढ़ना है हम लोगों को चैप्टर नंबर 6 ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ध्यान देंगे मित्रों जो साथियों चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ऑक्सीकरण देखेंगे, ऑक्सीडेशन विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूल का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोरीन में ऑक्सीकरण यानी कि इसमें त्याग रहा है या बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा साथ ऑक्सीकरण कहलाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे बढ़ रहा है
यहाँ पे बढ़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। अवकरण देखेंगे मित्रों, रिडक्शन, विद्युत धनात्मक परमाणु या मूल के अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। यहाँ पे साथियों ज्यादा में है और यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया है, तो साथियों ये अवकरण हो गया। देखेंगे साथियों आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, अर्थात जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अवकारक देखेंगे, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे हम लोग अवकारक कहते हैं। कुछ अवकारक इस प्रकार है H2 CO H2S SO2 SNCl2 इत्यादि। अवकारक देखेंगे मित्रों, ऑक्सीकारक देखेंगे, जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। उसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है H2O2 HNO3 KMnO4 K2Cr2O7 आदि। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ कौन कौन है इसको देखेंगे। जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक जैसा दोनों जैसा आचरण करता है मित्रों उसको देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S है, हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड है H2O2 है, याद रखिएगा मित्रों हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस अम्ल HNO2 इत्यादि। आगे कहा जा रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या इसको देखेंगे। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेश की संख्या को बताता है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं की संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में दिखाया गया है उससे अलग किया गया था, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है, वह साथियों ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। आगे देखेंगे ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है वो अवकारक कहलाता है। ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। अब साथियों है अवकरण, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है साथियों वो क्या कहलाती है अवकरण कहलाती है। साथियों अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को साथियों अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण से साथियों ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में ध्यान देंगे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल किसे कहते हैं, एसिड, वे यौगिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है वो अम्ल कहलाता है। अर्हेनियम के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन बनाता है साथियों वो साथियों अम्ल कहलाता है। आगे देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है कि बोरेनस्टेड या लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है वो अम्ल कहलाता है। किस सिद्धांत के अनुसार, बोरेनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। कुछ कंटेंट है इंपॉर्टेंट इसको देख लेंगे साथियों। सिरका में साथियों एसिटिक अम्ल पाया जाता है याद रखिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही जो खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है मित्रों।
इस सब को याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस टेबल सबको। आगे देखेंगे लुइस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ये क्या कहते हैं। अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वह अम्ल कहलाता है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, याद रखिएगा। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, याद रखिएगा। जो जलीय विलयन होगा अम्ल का, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों का उपयोग इसको जरा देख लेंगे, क्या क्या उपयोग होता है अम्ल का। खाने के काम में जैसे कि खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका एवं अचार में साथ ही एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। साथियों साथियों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो साथियों आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। और साथियों ये जो कराया गया है टेबल, यानी कि उसको याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से बोल देते हैं। सिरका में साथियों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में साथियों मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में भी मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। इस सबको याद कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे तो दिक्कत नहीं हो। फिर साथियों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। शेयर करने से रुपया नहीं लगता है साथियों, रुपया कोई थोड़े लगता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के पास, लाइक भी कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिले हमको। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए मित्रों, कोई रुपया नहीं लगता है लाइक करने के लिए। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।